इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 7.6 को देखेंगे। तो आइए समझते हैं प्रॉब्लम 7.6 को। सजेस्ट ए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब यहाँ कुछ रिएक्शन दिया हुआ है और वो सभी रेडॉक्स रिएक्शन है। आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन करना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन में किस कैटेगरी में गया है, किस तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है आपको पहचानना है। तो पहला जो रिएक्शन है यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ है और देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है, ये पहला रिएक्शन है। दूसरा देखिए, दूसरा में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट जो है वो रिएक्शन क्या है, नहीं रिएक्शन नहीं, ये खुद टूटा है और बना है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसको भी पहचानना है। पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं फिर आंसर अभी समझेंगे। यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड है, रिएक्शन किया है देखिए वाटर के साथ, तो बनाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। चौथे नंबर जो रिएक्शन है यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्शन किया है OH नेगेटिव के साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्शन किया है हाइड्राइड आयन के साथ। तो रिएक्शन के बाद क्या बना है, तो रिएक्शन के बाद देखिए नाइट्राइट आयन बना है, नाइट्रेट आयन बना है और वाटर बना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं इन सभी में कि कौन किस प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। तो पहले वन से आते हैं, तो इन रिएक्शन ए में क्या देखते हैं कि कंपाउंड जो यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड है यानी कि NO जो बना है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंटल सब्सटेंसेस। यहाँ पर देखिए एलिमेंटल सब्सटेंसेस, नाइट्रोजन एलिमेंटल सब्सटेंस, ऑक्सीजन एलिमेंटल सब्सटेंस जुड़ता है और बना है। तो यहाँ पर देखिए दो एलिमेंटल सब्सटेंस जुड़ने से बना है, तो देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में आया। अब हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं जहाँ पर लेड नाइट्रेट टूटा है और बना है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के जो गैस हैं। तो देखिए इन्वॉल्व द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो यहां पर लेड नाइट्रेट टूटा है और तीन कॉम्पोनेंट बनाया है, इंटू थ्री कॉम्पोनेंट्स, देयरफॉर दिस इज ए कैटेगराइज अंडर डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। इसीलिए ये डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन में आया, क्योंकि यहां पर टूट के कंपोनेंट तैयार हो रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो यहां देखिए हाइड्रोजन ऑफ वाटर, यहां पर जो हाइड्रोजन है वाटर में हैज बीन डिस्प्लेस बाय हाइड्राइड आयन। तो यहां पर जो हाइड्राइड आयन है, जैसे आयन में तोड़ेंगे तो Na प्लस H नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, तो हाइड्राइड आयन ने, हाइड्राइड आयन ने यहां से हाइड्रोजन को अलग कर दिया। देखिए यहां से लिखा है हाइड्रोजन ऑफ वाटर, जो वाटर में जो हाइड्रोजन है हैज बीन डिस्प्लेस, किसके द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है, वाटर में जो हाइड्रोजन है वो डिस्प्लेस हो रहा है हाइड्राइड आयन के द्वारा और उसको डाइहाइड्रोजन गैस में देखिए चेंज कर दिया। यहां का जो वाटर में जो हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन गैस में चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर डिस्प्लेस किया है इसने, हाइड्राइड आयन ने डिस्प्लेस किया है, तो देयरफॉर दिस मे बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए किस कैटेगरी में आ गया, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन में। अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर पे यानी डी नंबर पे। तो यहां पर जो रिएक्शन जो दिया है डी में इन्वॉल्व डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ NO2। यहां पर ये डिसप्रोपोर्शनेशन देखने को मिलता है नाइट्रोजन में, कैसे अभी समझाता हूं। यहां देखिए NO2 है, ठीक है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के लिए -2,
तो यहाँ नीचे 2 है तो गुना होके हो गया इसका -4, तो यहाँ पर होगा +4। तो यहाँ इस नाइट्रोजन के लिए होगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो यहाँ पर देखिए बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना है वहां उसके नाइट्रोजन को चेक करते हैं। तो पहले नाइट्रोजन का चेक करते हैं, यानी कि नाइट्राइट आयन में, तो NO2 नेगेटिव है, तो कैसे होगा? नाइट्रोजन का नहीं जानते मान के कितना है, तो X मान लिए, और ऑक्सीजन के लिए -2 होता है और नीचे 2 से गुना कर दिए, इक्वल टू ऊपर में कितना चार्ज है -1, तो यहां -1 लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, तो X-4 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू -1 + 4, तो X इक्वल टू आया 3 प्लस में, तो यहां पर देखिए किताब में +3 लिखा हुआ है, तो यानी कि नाइट्राइट आयन में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है। अब चेक करेंगे इसमें, यानी कि अब हम चेक करेंगे नाइट्रेट आयन में कितना है, तो यहां देखिए NO3 नेगेटिव, तो नाइट्रोजन का नहीं जानते X मान लिए, ऑक्सीजन का -2 होता है तो -2, नीचे 3 है तो गुना होगा, और चार्ज कितना है -1, तो X -6 इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो +6, यानी X का वैल्यू आया +5। तो यहां पर जो नाइट्रेट आयन है यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +5, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं इस नाइट्रोजन का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहा है, और ये चीज हम लोग पढ़े थे डिसप्रोपोर्शनेशन में। ये एक विशेष रेडॉक्स रिएक्शन था जहां पर किसी एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 3 फॉर्म में होता है, जो यहां देखने को मिला। यहां पर देखिए +4 है, इसमें कितना है, इसमें था +3, और नीचे वाले में कितना है, इसमें है +5। तो अलग अलग स्टेट में आया है, तो यहां पर डिसप्रोपोर्शनेशन को देखने को मिला है। अब दूसरा कंडीशन ये देखना है कि ये इंटरमीडिएट में आ रहा है कि नहीं, तो यहां देखिए ये +4 है, तो इससे छोटा हो गया +3 और इससे बड़ा हो गया +5, तो यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यानी कह सकते हैं तब डी नंबर का जो रिएक्शन है वो एग्जाम्पल हो गया डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने चारों को पहचान लिए कि किस किस कैटेगरी का ये रेडॉक्स रिएक्शन है।